अरे कोई दिक्कत ना है यार, मैं तेरे को कह तो रहा हूँ परसों मैं आ जाऊंगा और तेरा सारा काम निपटवा दूंगा। अरे मैं भी तो तेरे को यही कह रहा हूँ। चल ठीक है, ओके। क्या हुआ छोटी? भाई कुछ टूट रही थी और एक गिर गया। जब मैंने तेरे को कहा हुआ है जब तेरे को किसी भी चीज की जरूरत हो मेरे को बताया कर, फिर क्यों नहीं बताती? भाई मेरे को अपने घर में तो पता ही है कि कौन सी चीज कहाँ होती है। हाँ ठीक है, लेकिन जब मैं हूँ तेरे लिए फिर भी क्यों? भाई तेरे को ही कह रही, लेकिन तूने तो कहा था तेरी कोई जरूरी कॉल आई हुई है। हाँ ठीक है, मानता हूँ जरूरी थी, लेकिन मेरी बहन से बढ़ के मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं है। वैसे बात तो है, नसीब बहुत अच्छा है मेरा। मतलब आज एकदम ऐसा क्यों बोल रही है तू? मेरे को कई बार लगा, लेकिन बोल आज रही हो कि मेरा नसीब अच्छा है क्योंकि तू मेरा भाई है। अच्छा ये बात है, तो फिर तो मैं भी नसीब वाला हूँ। तू कैसे? हर उस लड़के का नसीब अच्छा होता है जिसकी कोई बहन होती है। अच्छा ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, यकीन ना आए तो कमेंट्स पढ़ लियो वीडियो के, पता चल जाएगा। भाई देख सकती तो जरूर पढ़ती। अच्छा चल कोई बात नहीं, तेरा भाई पढ़ के बता देगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब तू मेरी केयर करता है। सोन परी जैसी बहन है मेरी, उसी की केयर नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? ये भी है, अगर मैं देख सकती तो देखो मेरे लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता। बस तो ठीक है, अब से मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों, अब क्या हुआ? तेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं तेरे से परेशान होता हूँ? अगर एक भाई अपनी बहन से परेशान होने लग गया तो उस रिश्ते को भाई बहन का रिश्ता कौन कहेगा? अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूंगी। वैसे तुझे पता है कल मेरी फ्रेंड बता दी कि वो अपने भाई के लिए बहुत अच्छी अच्छी राखी लाई है रक्षाबंधन के लिए। अच्छा, लेकिन मैं तो ये अपनी पसंद की राखी भी नहीं ला सकती। लेकिन तू अभी भी मेरे लिए अच्छी ही लाती है। अगर मेरे पास राखी होती तो मैं तेरे लिए अपनी पसंद की बहुत अच्छी राखी लाती। लेकिन तू अभी भी मेरे लिए अच्छी ही लाती है। लेकिन मैं देख तो सकती ना वो तेरे हाथ में बंधे हुए कैसी लगती है। अब देख ले, तू इतनी प्यारी है तो तेरी बांधी हुई राखी कितनी प्यारी लगती होगी। भाई वैसे तो है कुत्ता ही हमेशा मेरा दिल रख लेता है। आज सिर्फ कुत्ता कैसे बोल रही है? अच्छा ठीक है, पूरा बोल देती हूँ, कुत्ता का मीना। भाई क्या कर रहा है? टीवी देख रहा हूँ, फिल्म आ रही है कती कंचा पीस। अच्छा हाँ, अब ये मत बोलियो कि तेरे को सॉन्ग सुनने रिमोट दे दे। हाँ हाँ नहीं कह रही। फिर क्या करने आई है मेरे रूम में? कुछ तो काम होगा ही पक्का तेरे को। वो मम्मा ना एक घंटा पहले ना मार्केट गई थी, अभी तक आई नहीं, मेरे को ना बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मी भी ना 100 रुपए कम कराने के चक्कर में मार्केट में इतनी देर एक्स्ट्रा लगा देती है। अच्छा तेरे को नहीं लगी क्या भूख? ना मेरे को नहीं लगी, और वैसे भी मम्मी मेरे को बोल के गई थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, बाद में ना छवि को खाना खिला दियो, मैंने उसके लिए बना दिया है। अच्छा फिर दिया क्यों नहीं अब तक? तूने अभी बोला तो तभी मेरे को एकदम से याद आ गया। तू एक काम कर, अपने रूम में जाके बैठ, मैं तेरे को लाके दे देता हूँ।
अरे यार मैंने इसको कह तो दिया, लेकिन मम्मी जो खाना बना के गई थी वो तो मैंने खा लिया, अब क्या करूं। छोटी खा ले, मेरे को ना ऐसा लग रहा है आज मम्मी ने नमक ज्यादा डाला है, बाकी तू देख लियो। बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा, बाकी वैसे एक बात तो है, हमारी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ सही बात है। चल ठीक है, तू खा ले आराम से, मैं जाके मूवी देख लूँ, तेरे चक्कर में मेरी 25 मिनट की मूवी निकल गई। भाई तूने मम्मी से भी अच्छा बनाया है। कच्ची मतलब मेरे को पता है ये तूने बनाया है। वैसे भी जब भाई अपनी बहन के लिए कुछ करता है वो आवाज उसकी बहन की दिल तक पहुंच ही जाती है। लव यू भाई। तैनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा, यही दुआवा मैं। भाई सुन। बोल। एक बात है, बताओ अगर तेरे पास टाइम हो तो। अरे कैसी बात कर रही है, मैं तेरे को अपनी जिंदगी दे दूं, तू बात कर रही है टाइम की, बोल क्या बात है। जैसे रक्षाबंधन आ रहा है। अरे ये तो मेरे को ही पता है रक्षाबंधन आ रहा है, आगे बता। हाँ तो ये बता मुझे रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट दे रहा है। जो मेरी बहन कहेगी वो चीज ला के तेरे को दे दूंगा, बस चांद तारे तोड़ने के लिए मत कह दियो। भाई मजाक नहीं, सच्ची सच्ची बता। अच्छा ये बात है, तो खुद अपने मुंह से बता दे तेरे को क्या चाहिए इस बार। इस भाई मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगी, ऐसी चीज दे कि सारे देख के बोले भाई बहनों तो ऐसे। अच्छा ये बात है, तो ठीक है इस बार मैं रक्षाबंधन पे तेरे को ऐसी चीज दूंगा कि सब इस रक्षाबंधन को याद रखेंगे। बहना मेरी खुशियों का गहना, सारे जग का खजाना है वो, हो सारे जग का खजाना है वो। हाँ जी मेरी कुलदीप जी से बात हो गई थी, उन्हीं ने आपका नंबर दिया था। चलो ये तो बात ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आपके पास परसों आ जाता हूँ। ओके। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हो जाएगा। देख ले जो तू कर रहा है ठीक तो है ना? अरे हाँ यार मैं सब कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। Yes. लेकिन मेरे को ये आइस किसने दी? इतनी बड़ी चीज एक भाई अपने बहन के लिए कर सकता है? नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए है। Thank you.
तूने ऐसा क्यों किया? बहन तूने ही तो कहा था कि ये रक्षाबंधन सब याद रखें। ऐसी चीज दे कि सारे देख के बोले भाई बहनों तो ऐसे। हाँ कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि तू अपनी जिंदगी में अंधेरा करके मेरी जिंदगी में रोशनी कर दे। बहन मैं तो ये चाहता हूँ कि इस दुनिया में हर बहन की जिंदगी में रोशनी रहे। खैर ये सब छोड़, ये बता आज जो तूने राखी बांधी है वो तेरी पसंद की तो है ना? लाडलो, राखी का धागा बेशक से पतला होता है लेकिन ये भाई बहन के रिश्ते को मजबूत कर देता है। रिश्ता भाई बहन का खास है। खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। हाँ तो गाइज मेरे को पता है आप सबने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। यहाँ तक देख लिया है जिस जिसने तो लाइक जरूर करना, क्योंकि पसंद तो आई ही होगी क्योंकि भाई बहन की वीडियो है, ऊपर से रक्षाबंधन के ऊपर। पसंद आई है लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। लव यू भाई बहन जरूर लिख देना कमेंट में। बाकी प्यार आप दे देते हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। और सबसे खास बात यह है इस वीडियो की, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जो बंदा यहाँ तक आया है और पूरी देख ली है उसको शेयर जरूर करना ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब जगह शेयर कर देना इसका लिंक। बाकी लव यू तो है ही, सबको इंस्टाग्राम पे ही परिवार बना लो। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।